हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है, तो फिर चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस या फिर पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ज़रूर देख लो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, इसमें से जिसके भी आंसर्स आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो पहला सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? चार ऑप्शंस हैं आपके पास और योर करेक्ट आंसर इज, अगर हम बात करें अछूत की अवधारणा की, तो वो धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से है हमारा, बायां महाधमनी चाप किन में दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर इज स्तनपाई, ऑप्शन नंबर बी। स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है। छपाक के निर्देशक कौन है? अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये फिल्म है दीपिका पादुकोण की, तो आपसे पूछ रहा है इसके निर्देशक के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेघना गुलजार। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सीरस। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर बी, मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं, बाकी ट्रायगोन के होते हैं, अस्फिरना के भी होते हैं और शार्क के भी होते हैं। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चार ऑप्शन है आपके पास, स्कॉटलैंड, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो यह चीन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर सी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों की जब वर्गीकरण की बात की आती है, तो वो डोब्रेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से? तो कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी। एंटवर्प कहाँ पर स्थित है? तो एंटवर्प जो है बेल्जियम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, यह हीरे के लिए बहुत ही फेमस है। उसी तरीके से अगले सवाल की बात करते हैं, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर डी। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो यह किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो यह जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है, ऑप्शन नंबर सी। कैगा में क्या होता है? कैगा है आपका क्या? कैगा में जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, तो निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट बलय हैं? तो अस्पष्ट बलय हैं शनि के चारों ओर, बाकी बृहस्पति ग्रह और भी ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर अस्पष्ट जिनके चारों ओर वलय होने की संभावना जताई जा रही है, बट स्पष्ट वलय जो है शनि ग्रह के चारों ओर है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीजों में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है, और ये एग्ज़ाम में लगभग हर बार आपको रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदक। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को हम भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है ज्यामिति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किसकी देन है? तो यह जो है आपातकालीन शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, और ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान की देन है, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप सभी का पता होगा कि भारत को जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये सभी देशों के संविधान से इसमें कुछ ना कुछ लिया गया है। उसी तरीके से अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यह जो है संसदीय प्रणाली से ली गई है, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करते हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत के, तो यह विलियम बेवेल ने प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर? तो यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, तापीय जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं अस्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो 1953 में, ऑप्शन नंबर बी। पणजी किस नदी के किनारे, किस नदी पर अवस्थित है? जैसा कि आप सभी को पता होगा गोवा की राजधानी है पणजी, और यह जो है मांडवी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। अमरम का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था जागीर, ऑप्शन नंबर ए। किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? तो जल विद्युत की स्थापना जो है सबसे पहले की गई फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो इनका धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये आप सभी को पता होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई गई है। तो अगर हम बात करें हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो थे कपास के, ऑप्शन नंबर सी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ऑप्शन नंबर बी। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो इस चीज़ को है जहांगीर ने कहा कि जो भी चित्रकला के शत्रु हैं जहांगीर उनके शत्रु हैं। उसी तरीके से सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने जो है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की धुरी कैसी है, तो पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सवाल है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले इस चीज को कहने वाले हैं एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर ए। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव कैसे होते हैं? तो वो उत्पादक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी, ऑप्शन नंबर बी। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर बी। मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो यह जो है हाथी का पूर्वज है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जो है कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो आपस में जोड़ता है टेंडन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ आपके क्लासेस के बारे में। तो ये जो हमारे ग्रुप की क्लासेस है, यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स, नियुक्तियों से रिलेटेड या फिर रिसेंट में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड 7 बजे सुबह। फिर ये वाली वीडियो जो आपकी अभी है, सामान्य ज्ञान की चैप्टर या एमसीक्यू, या फिर कभी कभी इसी में आपको रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगा। और ये 12:30 बजे दोपहर में मैथ्स यानी गणित की वीडियो, 6 बजे शाम में इसी में कभी कभी आपको रीजनिंग भी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद एसपीडी के लिए यहाँ पर एसपीडी की करेंट अफेयर्स आपको मिलेगी 8 बजे सुबह में, और एसपीडी का सामान्य ज्ञान 11:30 बजे दोपहर, जबकि एसपीडी का सामान्य विज्ञान 7 बजे शाम में। और ये जो एसपीडी की वीडियो यहाँ पे हमने उपलब्ध करवाई है बिकॉज ये जो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमने आपको अलग से चैनल बनाया है एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। आपको उस चैनल को जाके हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि एसपीडी से जो हमने करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की वीडियो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और वार्षिकांक यहाँ पे जो है
करंट अफेयर की वीडियो वो आपको हमेशा मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशंस और आपकी ये सारी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ डेली के जीके क्विज के लिए हमने आपको अलग से चैनल बना के रखा है। आप हमारे आप यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ पे चैनल सर्च करोगे नॉलेज मंत्रा जीके क्विज, तो आपको इस तरीके से लोगों वाली एक चैनल मिलेगी। वहाँ पर आपको जो है डेली तीन तीन जीके क्विज के वीडियो मिलेंगे, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। आपको वहाँ पर जाके क्विज ज़रूर लगाने हैं, बिकॉज क्विज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि ये सारे क्विजेस भी आपको हमेशा मिलती रहे। इसके अलावा आपको किस चीज की वीडियो चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।